फिलहाल हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे और हमारे साथ आसाम से जिगेश राय जी हैं। जिगेश राय जी, आप जो ये आरएसएस पार्टी है, ये कौन सी पार्टी है और क्या मांगों को लेकर आप यहाँ धरने प्रदर्शन करें वो बताएं। देखिए, आसाम का जो हम लोगों का जो कोस्ट राजवंशी कम्युनिटी है, वो कोस्ट राजवंशी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव हम लोग कोस्ट राजवंशी संग्राम समिति केआरएसएस रिप्रेजेंटेटिव कौन रहा है आसाम का कोस्ट राजवंशी पीपुल्स को। हम लोग बहुत दिन से हमारा आसाम का जो कोस्ट राजवंशी पीपुल है उनके लिए हम लोग एसटी स्टेटस प्लान के लिए बहुत दिन से लड़ाई कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। लेकिन कांग्रेस या बीजेपी सरकार, दोनों सरकार ने हम लोगों को बार बार जो इलेक्शन आती है उन लोगों ने हमको प्रतिश्रुति देते हैं। प्रतिश्रुति देने के बाद जो उन लोगों को क्षमता मिलता है, उसके बाद गाड़ी मिलने के बाद हम लोगों का जो मांग है, मांग पूरा करने का पहले जो वादा किया था करता था, लेकिन बाद में वो लोग उन लोगों का जो मांग है कम्प्लीटली भूल जाते हैं वो लोग। इस बार भी ऐसा ही हुआ। 2014 में जो एमपी इलेक्शन हुआ, लोकसभा निर्वाचन हुआ, नरेंद्र मोदी अभी जो भारतवर्ष का हमारा प्रधानमंत्री है, वो असम में जाके हमारा जो बंगाईगांव है, बंगाईगांव में वो जाके विशाल एक जनसभा में हमारा उधर बोला था कि अगर हम लोग सत्ता में आएगा तो इस बार कोस्ट राजवंशी आसाम का जो पीपुल है उन लोगों का इस बार एसटी स्टेटस मिल जाएगा। उसके बाद अभी नरेंद्र मोदी का सरकार जाने वाला है, 2019 में अभी इलेक्शन आ रहा है, अभी भी उन लोगों का हम लोगों का जो प्रतिश्रुति दिया है वो लोग बिल्कुल भूल गया। इसलिए इस बार चुनाव में बीजेपी सरकार को हम लोगों ने आसाम से बिल्कुल उखड़ करने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार है अभी। और देखिए, वो जो लास्ट 2019 में जो 2 जनवरी आया है नया साल का, जो कैबिनेट बैठक हुआ है, कैबिनेट बैठक में हम लोग बहुत एकदम इंतज़ार में था कि इस बार जरूर कैबिनेट बैठक में हमारा जो मांग है, हमारा मांग एसटी स्टेटस इस बार जरूर पूरा करेगा। लेकिन इस बार जो 2 तारीख को हुआ, इस बार भी ऐसा ही हुआ, हम लोगों का जो मांग बीजेपी सरकार ने कम्प्लीटली भूल गया। इसलिए हम लोग अगर बीजेपी सरकार के साथ नहीं है, आने वाला चुनाव में इस बार बीजेपी सरकार को आसाम से बिल्कुल एकदम उखड़ कर देगा। आपकी अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी, बीजेपी सरकार या जो भी सरकार मौजूदा सरकारें होती हैं वो आपकी मांगों को नहीं मानते, तो आगामी योजना आपकी क्या रहेगी आपकी रणनीति को लेकर? ना, वही हम लोग आसाम में अभी पूरा प्रतिवाद, अभी दिल्ली से, इस दिल्ली दिशे के दरबार में हम चुनौती देता है बीजेपी सरकार को। इस बार आने वाला जो लोकसभा इलेक्शन है, इलेक्शन का हमारा जो सपोर्ट पहले था, लेकिन इस बार नहीं होगा, ये दिल्ली का दरबार से उन लोगों को हम चेतावनी देते हैं। Long live, 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 long live